दोस्तों आज हम आए हुए हैं इंदौर में जो ऑटो शो 2022 का आयोजन किया गया है एयरपोर्ट इंदौर के पास में, जहां से हम आपके लिए तमाम सारे वीडियोज और यहां की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेकर के आएंगे आने वाले कुछ समय के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर हम अंदर चलेंगे और अंदर चल करके तमाम सारी जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पर जो शोकेस की गई हैं उनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अंदर। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इस साइड में आप देख सकते हैं आइशर वॉल्वो के ट्रक्स एंड बसेस को यहाँ पर शोकेस किया गया है, और अंदर की साइड में आपको तमाम सारे टू व्हीलर कार और तमाम सारे व्हीकल्स जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों इस तरह के आयोजन में आपको भी आना चाहिए। अगर आप मुझे इंदौर के आसपास से देख रहे हैं तो मैं आपको ये जो है इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों बाहर है गर्मी, हम चलते हैं अंदर। यहाँ पर ये जो डोम लगाए गए हैं इनके अंदर पूरा एयर कंडीशन मेंटेन किया गया है, जिससे कि विजिटर जो आए उनको गर्मी वगैरह ना लगे। तो दोस्तों हम आ गए हैं हॉल के अंदर, और यहाँ पर ए बी सी डी कई तरह के यहाँ पर हॉल जो है नामकरण किए गए हैं। अलग अलग हॉल के अंदर अलग अलग यहाँ पर आपको व्हीकल्स देखने के लिए मिलेंगे। आइए सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि यहाँ पर किस किस तरह के व्हीकल्स हैं उनको लगाया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कावासाकी इंडिया के द्वारा अपनी बाइक्स को जो है यहाँ पर शोकेस किया गया है। इस साइड में आपको तमाम सारे जो पार्ट्स हैं जो कि आपके इंपीरियल ऑटो इंडस्ट्रीज़ वगैरह के वो सारे रखे गए हैं, और तमाम सारी चीज़ों को यहाँ पर जो है शोकेस किया गया है। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी दोस्तों, जो कि आपने अमूमन नहीं देखी होंगी। जैसे कि ट्रक्स एंड बसेज के अंदर सस्पेंशन किस प्रकार से काम करता है, क्या एक्सल होता है, मतलब कि यहाँ पर हर तरह के इक्विपमेंट को भी अलग से यहाँ पर करके दिखाया गया है। अगर हम इधर इस साइड में आकर के देखते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो है टायर सेगमेंट दिया गया है, यानी कि टायर किस किस तरह के होते हैं, क्या चीज़ें हैं, ये आपके बोनट वगैरह हैं, ट्रक्स एंड बसेज के अंदर जो बोनट्स यूज किए जाते हैं किस तरह के हैं, हर तरह के इक्विपमेंट को हर तरह के पार्ट्स को जो है यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। अब हम पीछे की साइड में और चलते हैं तो यहाँ पर आपको मोरानी जो है ये जो है बाइक दिखाई देगी। ये राजस्थान RJ14 राजस्थान जयपुर से आई हुई बाइक है, काफ़ी अच्छी बाइक है। हर गाड़ी के बारे में आपको हम डिटेल में भी वीडियो देंगे। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं, और ये काफ़ी बड़े एरिया के अंदर जो है इसको लगाया गया है। यहाँ पर छोटे मोटे पार्ट्स हैं इस साइड में भी हैं, यानी कि ऑटोमोबाइल फील्ड के अंदर यूज़ आने वाली सारी ही चीज़ों को जो है यहाँ पर शोकेस किया गया है। इस साइड में अगर हम देखते हैं तो महिंद्रा का आपको जो है थार दिखाई देगा। ये महिंद्रा का थार है 4x4, यहाँ पर ये पूरा अटैचमेंट पीछे की साइड में एक जो है एक बेड टाइप का यहाँ पर बना दिया गया है, इसके अंदर आप सो करके अपनी यात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर चीज़ के बारे में हम एक इंडिविजुअल वीडियो जो है आपके लिए लेकर के आएंगे। इस साइड में आप देखते हैं तो आपको यहाँ पर मारुति की जो गाड़ी है Ertiga वगैरह वो दिखाई दे रही है, यानी कि मारुति ने भी अपना स्टॉल यहाँ पर लगाया है। उस साइड में आपको महिंद्रा का स्टॉल दिखाई देगा। यहाँ पर आपको हीरो मोटोकॉर्प के द्वारा जो आपका स्टॉल है वो लगाया गया है, यानी कि ओवरऑल काफ़ी सारी कंपनियों के द्वारा जो है यहाँ पर अपने जो है गाड़ियों को यहाँ पर शोकेस किया गया है। ये आप देख सकते हैं हीरो एक्सट्रीम है, और ये सारी ही गाड़ियाँ आपको हमारे चैनल के ऊपर इंडिविजुअल वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। सारी गाड़ियों को यहाँ पर जो है पर्दे के अंदर कवर करके लगाया गया है, इनको अनवील किया जाएगा, दिखाया जाएगा। एक एक गाड़ी का वीडियो देखने के लिए आप जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर ये आइशर मोटर की जो ये जो ग्लास वगैरह जो फिटमेंट किए जाते हैं विंडो वगैरह के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं वो यहाँ पर शोकेस की गई हैं। और अगर हम इस साइड में आते हैं तो यहाँ पर भी आपको तमाम सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। हर छोटे मोटे पार्ट को दिखाने की कोशिश की गई है। ये जो पार्ट हैं अमूमन हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि ये सब व्हीकल्स के अंदर लगे रहते हैं, तो हर चीज़ को यहाँ पर जो है दिखाया गया है। बेयरिंग्स वगैरह हैं, पार्ट्स वगैरह हैं, और इस साइड में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, और अगर आ रही है तो आप ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। यहाँ पर आपके जो है प्रदेश का पूरा इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा है, यहाँ पर आपकी बसेज हैं, ये JBM बसेज हैं, इनको भी शोकेस किया गया है। भारत बेंज के ट्रक्स हैं उस साइड में हैं, और इस साइड में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको ये जो है थ्री व्हीलर हैं जो कि इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर हैं, इनको भी शोकेस किया गया है। हर चीज़ के बारे में हर गाड़ी के बारे में आपको डिटेल वीडियो दूंगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हम और आगे चलते हैं, इस साइड में आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको तमाम सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। आप कौन कौन से मोबिल ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों के अंदर, या आपके लुब्रिकेंट्स हैं जो गाड़ियों के अंदर यूज किए जाते हैं, इन सब चीज़ों को भी यहाँ पर जो है शोकेस किया गया है।
तो दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि इस ऑटो शो के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को यहाँ पर शोकेस किया गया है। हर चीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लें, क्योंकि आने वाले कुछ समय के अंदर आपको बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।